दोस्तों फ्री कुकिंग में फ्रोजन वेज स्टार्टर की एक और रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने आए हैं, जिसका नाम है मक्कीन स्टाइल में फ्रोजन पिज्जा पफ। मक्कीन स्टाइल में बना हुआ पिज्जा पफ आपको ही नहीं आपके घर में बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला। इसको हमने बिना प्रिजर्वेटिव के बनाकर तैयार किया है। बिना प्रिजर्वेटिव के भी आप इसको लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आपको हमारी पिज्जा पफ की रेसिपी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। मक्कीन स्टाइल में मिनी पिज्जा पफ जो खाने में बहुत ज्यादा सुपर टेस्टी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैक पफ बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक बड़ा बर्तन जैसे परात। मैं इसमें डाल रही हूँ एक और एक चौथाई कप मैदा। यहाँ पर मैंने मैदा को छान कर लिया है। 150 ग्राम मैदा लिए। मैक पफ क्रिस्पी बने रहे इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर, अरारोट या फिर कॉर्न स्टार्च कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ एक आठवां छोटी चम्मच नमक। नमक आपको जो रोजाना काम आता है उसको लेना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आप कोई सी ब्रांड का ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है। बस यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है बेकिंग पाउडर आपका बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब मैं इन सबको आपस में अच्छी तरीके से मिला रही हूँ। इन सबको आपस में मिलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तीन बड़े चम्मच तेल। यहाँ पर मैं फ्लेवरलेस सनफ्लावर ऑयल ले रही हूँ। तेल डाल करके तेल को मैदा के साथ अच्छे तरीके से मिलाना है। तेल के अच्छे तरीके से मिल जाने के बाद ही आपको इसमें पानी डालना है। तेल के आपस में अच्छे तरीके से मिल जाने के बाद आपकी मैदा का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। वह एकदम भुरभुरी हो जाएगी, यानी कि मैदा में छोटी छोटी सी डलिया बन जाएंगी। मैदा के साथ तेल को अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका सख्त आटा गूंथ कर तैयार करूंगी। आटा गूंथते समय पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने इसका सख्त आटा गूंथ कर तैयार कर दिया है। मुझे अपने इस आटे को गूंथने में एक चौथाई कप पानी लगा है। पानी आपको कम या ज्यादा लग सकता है, ये आपके मैदा पे डिपेंड करता है कि आपकी मैदा कितनी ज्यादा नई है और कितनी ज्यादा पुरानी है। अब मैं अपने इस मैदा को 4 से 5 मिनट के लिए मलूंगी, जिससे चिकनी हो जाए, इसमें जो फटापन है वह दूर हो जाए। मैदा को मलने से मैदा में अच्छी सी फुलावट बनकर आएगी और इससे मैक पफ यानी कि मिनी पिज्जा एकदम बाजार जैसे बनकर तैयार होंगे। मैदा को 4 से 5 मिनट मलने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ी देर मैदा को मलने के बाद मैदा में चिकनाहट सी आ गई है। अब मैं इसको रखूंगी वापस परात में। मैदा को परात में रख करके मैं इसके ऊपर गीला कपड़ा रखूंगी। कपड़ा आपका पानी में से निकला हुआ निचड़ा हुआ होना चाहिए। मैदा में बढ़िया सी फुलावट बनकर आ जाए इसलिए मैं इसको 25 से 30 मिनट के लिए रखकर छोड़ूंगी। इसको मैं रख रही हूँ एक साइड में। इतने हम मैक पफ के लिए फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। फिलिंग बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक और बर्तन। बर्तन में मैं डाल रही हूँ आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप बारीक कटी हुई प्याज। फ्रोजन मिनी पिज्जा बनाने के लिए आपकी शिमला मिर्च और प्याज दोनों ही बारीक कटे हुए होने चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चौथाई कप उबले हुए स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को हल्का सा मैश कर लेना है, या फिर आप अपने उबले हुए स्वीट कॉर्न को हल्का सा मिक्सी में भी घुमा सकते हैं। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट। आप यहाँ पर बारीक कटा हुआ लहसुन भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप बारीक कटा हुआ अदरक। इन सभी सब्जियों का पानी अलग करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच नमक। फिलिंग में यूज होने वाला जितना भी नमक है वह आपको अभी डालना है, बाद में नहीं डालना। इन सबको करना है आपस में मिक्स। सारी सब्जियां अपना पानी अच्छी तरीके से छोड़ दे इसलिए आपको नमक अच्छी तरीके से मिलाना है। मैंने नमक को सब्जी के साथ अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखकर छोड़ूंगी, जिससे सब्जियों का पानी अलग हो जाए। ये देखिए, थोड़ी देर में ही सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसके पानी को अलग करूंगी। पानी को अलग करने के लिए मैं ले रही हूँ एक प्लेट। प्लेट के ऊपर रख रही हूँ साफ सुथरा धुला हुआ कपड़ा। कपड़े के ऊपर आपको ये सारी सब्जियां डाल देनी है और इसका पानी अलग करना है। सब्जियों को कपड़े के ऊपर डाल करके आपको इसे कसकर निचोड़ना है। जितना भी पानी है सब्जियों में वह बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, एकदम अलग हो जाना चाहिए। फ्रोजन मिनी पिज्जा बनाने के लिए आपकी सब्जियों में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सब्जियों में से कितना ज्यादा पानी निकल रहा है। अगर आपके सब्जियों में पानी रहेगा तो आपके मैक पफ बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये देखिए, सब्जी में जो पानी था वह अलग हो गया है। अब मैं इस पानी को रख रही हूँ एक साइड में। अब मैं ले रही हूँ एक पैन। जिन सब्जियों का पानी अलग किया था उन सब्जियों को आपको पैन में डाल देना है। सब्जियों में बिल्कुल भी पानी ना रहे इसलिए हम सब्जियों को थोड़ा सा भूनेंगे, इसलिए आपको अपनी सब्जियों को साथ साथ पैन में डाल देना है। पिज्जा फिलिंग बनाने के लिए अब मैं इसमें डालूंगी पिज्जा सॉस। यहाँ पर आपको 2 बड़े चम्मच पिज्जा सॉस डालनी है। पिज्जा सॉस आप कोई सी भी ब्रांड की ले सकते हैं। पिज्जा सॉस घर पर कैसे बनाई जाती है उसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच पिज्जा सीजनिंग यानी कि ओरिगैनो। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो खाने में कम तीखी होती है, कलर देने का ज्यादा काम करती है। अगर आप तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर लेना चाहते हैं तो आप उसको अपने स्वाद के अनुसार लें। मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। आप यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर या फिर सफेद मिर्च का पाउडर, कोई सा भी मिर्च का पाउडर ले सकते हैं। हल्का सा खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच चीनी के दाने। फ्रोजन पिज्जा की फिलिंग में यूज होने वाली सभी सामग्री को पैन में डाल करके इन सबको आपस में मिलाना है। इन सबको मिला करके मैं इनको गैस पर भूनूंगी। जो इसमें पानी होगा वह पानी सब खत्म हो जाएगा। ये देखिए सारी सामग्री के मिल जाने के बाद फिलिंग तैयार हो गई है। अब मैं इसको गैस पर भूनूंगी। सब्जियों में जो थोड़ा बहुत पानी रह गया होगा वह पानी खत्म हो जाएगा। पिज्जा की फिलिंग में बिल्कुल भी पानी ना रहे, इसलिए आपको इसे तेज आंच पर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनना है। जब आपकी पिज्जा की फिलिंग पैन पर चिपकने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी फिलिंग में पानी जो था वह खत्म हो गया है। अब मैं इसको तेज आंच पर लगातार चलाते हुए भूनूंगी। भूनने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ी देर फिलिंग को भूनने के बाद फिलिंग पैन पर चिपकनी शुरू हो गई है। मैं कर रही हूँ गैस को बंद। मैं आपको अपनी फिलिंग का टेक्सचर पास से दिखाती हूँ। आपको हमारी पिज्जा फिलिंग दिखाई दे रही होगी। अब मैं इस फिलिंग को ठंडा करने के लिए कर रही हूँ एक प्लेट में। दोस्तों हमने जो पिज्जा फिलिंग बनाई है वह खाने में बहुत ज्यादा मस्त होती है और यह बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। फिलिंग को मैंने प्लेट में कर दिया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूंगी। जब यह ठंडी हो जाएगी तब मैं इससे पिज्जा पफ बनाकर तैयार करूंगी। दोस्तों फिलिंग ठंडी हो गई है। फिलिंग के ठंडा हो जाने के बाद अब मैं इसके फ्लेवर को सुपर बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप ग्रेट करके प्रोसेस चीज। आप यहाँ पर प्रोसेस चीज या फिर मोजेला चीज, कोई सी भी चीज ले सकते हैं। कोई सी भी चीज डालिए। चीज डालने से फिलिंग का स्वाद और भी ज्यादा सुपर हो जाता है। अब मैं इसको कर रही हूँ आपस में मिक्स। चीज को फिलिंग के साथ मिलाने के बाद यहाँ पर हमारी पूरी तरीके से फिलिंग बनकर तैयार हो जाएगी। चीज आप यहाँ पर कोई सी भी ब्रांड की दे सकते हैं। चीज के मिलाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चीज और फिलिंग आपस में मिक्स हो गए। यहाँ पर हमारी सुपर टेस्टी पिज्जा फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। हमने जो पिज्जा के लिए आटा गूंथ कर तैयार करके रखा था वह भी तैयार हो गया है। आटे में अच्छी सी फुलावट बनकर आ गई है। अब मैं इसे पिज्जा पफ बनाकर तैयार करूंगी। पिज्जा पफ बनाने के लिए मैं इस आटे के 2 हिस्से करूंगी। 2 हिस्से करके मैं इसको बेलूंगी। बेल करके मैं इसकी रोटी बनाकर तैयार करूंगी। जितनी मोटाई आप अपनी रोटी की रखते हैं उतनी मोटाई के हिसाब से आपको इसे बेलना है। रोटी को बेलते समय आपको इस पर सूखा आटा या फिर चिकनाई बिल्कुल भी नहीं लगानी है। इसको ऐसे ही बेलना है। दोस्तों आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेस चल रही हैं। उन सभी क्लासेस को देखने के लिए आपको बहुत सारे रुपए पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन आप उन सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस को हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर के एकदम फ्री देख सकते हैं। चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर के हमारी सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस सेम रेसिपी के साथ आपको एकदम फ्री देखने को मिलेगी। तो देर मत कीजिएगा, फटाफट से हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर के सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस को फ्री में देखिएगा। ये देखिए मैंने रोटी को पतला पतला बेल दिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। कटिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ स्क्वायर शेप में कटर। जितने बड़े साइज का आपको पिज्जा पफ बनाना है उसी साइज के हिसाब से आपको कटर लेना है। कटर लेकर के आपको इसकी कटिंग करनी है। आप यहाँ पर पिज्जा पफ कोई सी भी शेप की बना सकते हैं। यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में पिज्जा पफ बना रही हूँ। आप यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में भी पिज्जा पफ बनाकर तैयार कर सकते हैं। मार्केट में रेक्टेंगल शेप में भी पिज्जा पफ मिलते हैं। यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी शेप में पिज्जा पफ बनाकर तैयार करने है। अगर आप कटर को स्किप करना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा कटिंग है उसको मैं निकाल दूंगी। कटिंग करने के बाद आप इस तरीके से पिज्जा पफ बनाने के लिए पिज्जा बेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। बची हुई कटिंग को बेल करके मैं इससे दोबारे से कटिंग करके फिर से पिज्जा बेस बनाकर तैयार करूंगी। मैं आपको पास से दिखाती हूँ आपको इस तरीके से पिज्जा पफ के लिए बेस बनाकर तैयार करने। इन सभी कटिंग को मैं करूंगी एक प्लेट में। दोस्तों मैं फिर से आटे की एक और पतली रोटी बनाकर तैयार करूंगी। इसकी कटिंग मैं दूसरे तरीके से करूंगी जो आपको बहुत ज्यादा आसान लगने वाली है। पतली रोटी बेलने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने रोटी को बेल दिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। कटिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ स्केल। यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ा स्केल लिया है। अब मैं इसे रोटी के ऊपर रख करके कटिंग करने वाली हूँ। जितना बड़ा साइज आपको पिज्जा पफ का रखना उस हिसाब से आपको इसकी कटिंग करनी है। ये सबसे आसान तरीका है पिज्जा पफ बनाने के लिए। आप बिना कटर के इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के लिए आप इसको स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप दे सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हमने और भी बहुत सारे फ्रोजन वेज स्टार्टर की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। उन सभी रेसिपियों का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आपको हमारी सभी फ्रोजन वेज स्टार्टर की रेसिपियां एक से बढ़कर एक लगने वाली है। उन सभी रेसिपियों को एक बार जरूर देखिएगा। रोटी की एक साथ कटिंग करने के बाद जो इधर उधर की छोटी मोटी एक कटिंग है उसको निकाल देना है। बची हुई जो कटिंग है उन सबको दोबारा से बेल करके मैं इसकी फिर से रोटी बनाऊंगी और कटिंग करूंगी। ये देखिए दोस्तों हमने कितने आसान तरीके से इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं इन सभी कटिंग को रखूंगी उसी वापस प्लेट में। इसी तरीके से मैं सारे आटे की कटिंग करने के बाद तब आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए हमने सारे आटे की कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब मैं इसे पिज्जा पफ बनाकर तैयार करूंगी। पिज्जा पफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है कटिंग वाला पिज्जा बेस। आपको इसके चारों तरफ किनारों किनारों पर लगाना है हल्का हल्का पानी। पानी के लग जाने के बाद अब आपको इसके ऊपर रखनी है बीचों बीच सेंटर पर थोड़ी सी फिलिंग। फिलिंग को रख करके आपको अपने हाथों की उंगलियों को कपड़े से पोंछना है। फिर उसके बाद आपको लेना है फिर से दूसरा कटिंग वाला पिज्जा बेस। दोनों पिज्जा बेस के जो किनारे उन दोनों को आपस में मिलाते हुए आपको इसे चिपका देना है। ऊपर वाला पिज्जा बेस रखते समय किनारे से किनारा मिलना चाहिए। अच्छे तरीके से आपको इसे हाथों की फिंगर से दबाते हुए चिपका देना है। फिर इसके बाद आपको लेना है कांटा। कांटे को किनारों के ऊपर रख करके कांटे को नीचे को दबाना है। चारों तरफ से किनारों को कांटे से दबाने के बाद यहाँ पर आपका पिज्जा पफ बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उन दोनों का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये देखिए यहाँ पर हमारा पिज्जा पफ बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से आपको अपने सारे पिज्जा पफ बनाकर तैयार करने। पिज्जा पफ बनाने के सारे स्टेप आपको क्लियर दिखाई दे इसलिए मैं आपको कैमरे को ऊपर करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक और कटिंग वाला पिज्जा बेस। इसके किनारों किनारों पर लगा दिया है पानी। इसके बीचों बीच सेंटर पर रखनी है आपको पिज्जा फिलिंग। अब आपको दूसरा कटिंग वाला पिज्जा बेस लेना है। दोनों के किनारों को आपस में मिलाते हुए चिपकाना है। आपको इन दोनों कटिंग वाले किनारों को आपस में अच्छी तरह चिपकाना है जिससे कि तेल में तलते समय पिज्जा बेस खुले नहीं। इसके बाद आपको इसके किनारों को कांटे से दबाना है जिससे कि दोनों किनारे आपस में चिपक जाए और अच्छा सा डिजाइन भी बन जाए। ये देखिए इस तरीके से आपको अपने पिज्जा पफ बनाकर तैयार करने। इसको मैं रखूंगी प्लेट में और सारे पिज्जा पफ बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए दोस्तों हमारे सारे पिज्जा पफ बनकर तैयार हो गए। अब मैं इनको फ्रीजर में सेट होने के लिए रखूंगी। 3 से 4 घंटे के लिए आपको इन्हें फ्रीजर में रखना है। 3 से 4 घंटे फ्रीजर में रखने के बाद जब ये पूरी तरीके से फ्रोजन हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 3 से 4 घंटे फ्रीजर में रखने के बाद पिज्जा पफ फ्रोजन हो गए। आप अपने पिज्जा पफ को जिप्लॉक बैग में करके फ्रीजर में 5 से 6 महीने आसानी से रख सकते हैं। जब आपका पिज्जा खाने का मन करे तब आपको इन्हें फ्रीजर में से निकालना है और तेल में तलना है। मैं आपको अपने पिज्जा पफ की आवाज सुनाते हुए ये पूरी तरीके से फ्रोजन हो चुके हैं। अब मैं इन सबको कर रही हूँ जिप्लॉक बैग में करके मैं इन्हें फ्रीजर में रखूंगी स्टोर करने के लिए। जिप्लॉक बैग में करके मैं आपको एक पिज्जा पफ पास दिखाती हूँ। आपको हमारा फ्रोजन पिज्जा पफ दिखाई दे रहा होगा। पिज्जा पफ के फ्रोजन हो जाने के बाद अब मैं इसमें से थोड़े से पिज्जा पफ एक प्लेट में कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। पिज्जा पफ को प्लेट में करके मैं इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए रखकर छोड़ूंगी जिससे नॉर्मल हो जाए और बाकी के जो बचे हुए पिज्जा पफ है उनको मैं वापस फ्रीजर में रखूंगी। पिज्जा पफ के थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने के बाद अब मैं इनको डाल रही हूँ कढ़ाई में। हमारा तेल गर्म हो चुका है। पिज्जा पफ को कढ़ाई में डालते समय मैंने गैस की फ्लेम को हाई रखा है। पिज्जा पफ को कढ़ाई में डाल करके आपको इन्हें मीडियम फ्लेम पर तलना है। सुनहरा हो जाने तक आपको इन्हें अलट पलट करते हुए तलना है। सुनहरा हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ी देर में ही पिज्जा पफ सुनहरे रंग के हो चुके हैं। अब मैं इनको कर रही हूँ एक प्लेट में। इस तरीके से आपको तेल में तलकर टेस्टी टेस्टी पिज्जा पफ बनाकर तैयार करने। ये देखिए सुनहरे रंग में यहाँ पर हमारे टेस्टी टेस्टी पिज्जा पफ बनकर तैयार हो गए। अब मैं पिज्जा पफ की कटिंग करूंगी। कटिंग करने के बाद आपको अंदर से दिखाती हूँ। आपको इसका अंदर का टेक्सचर दिखाई देगा। जैसा कि आपको बाजार में पिज्जा पफ देखने को मिलता है वैसा ही यहाँ पर हमारा पिज्जा पफ बनकर तैयार हुआ है। टेस्टी टेस्टी फीलिंग के साथ मस्त दिखने वाला पिज्जा पफ हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं अपने मैक स्टाइल में पिज्जा पफ को खाकर बताती हूँ खाने में कैसा लग रहा है। आप फ्रोजन वेज स्टार्टर में इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। पिज्जा पफ खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना। इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारे टेस्टी टेस्टी पिज्जा पफ की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रोजन पिज्जा पफ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हम आपके साथ और भी बहुत सारी रेसिपियां शेयर करने वाले। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। पिज्जा पफ की रेसिपी को और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेज स्टार्टर की एक और रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।